पटना में पूरी इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 136 हो गई है। बुधवार को 10 नए मरीज मिले हैं, इनमें से 8 पटना के हैं। राजधानी की खाशपुरा में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। सुबह 30 और 57 साल की 2 महिला और 62 साल के एक पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। दोपहर को 28, 32 और 45 साल के 3 पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना के जगदेवपथ के 42 साल के पुरुष और सालिमपुर के 35 साल के पुरुष कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या 16 है। ऐसे में पटना तो रेड जोन एरिया में डाल दिया गया है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम पूरे पटना को सैनिटाइज कर रही है। बंद दुकानें, सड़क और सभी घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम की टीम पूरे जोर शोर से सैनिटाइज करने के काम में जुट गई है। आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरे बिहार में कुल मरीजों की संख्या 136 हो चुकी है, जिसके बाद कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार ने सबसे ज्यादा आशंकित पटना सिटी और फुलवारी शरीफ के हर घर को सैनिटाइज कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूरे पटना जिले को 5 क्षेत्र में बांटा गया है। नगर निगम की टीम के साथ इसमें आशा, बीएलओ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी अपना सहयोग देंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।